Hello everyone, wishing you a very happy new year. And there are four resolutions that I think every UPSC aspirant should make in this upcoming year, that is 2022. First, wake up early and give yourself 2 hours extra every day. देखिए अब तक आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में हम कभी नहीं बताते कि आपको कितने आवर्स देने चाहिए प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अब जब आपका एग्जाम इज जस्ट 5 months अवे, अब आपको अपनी सिटिंग कैपेसिटी पता है. कोई लोग 4 घंटे पढ़ते होंगे, कोई 5, कोई 8, आप जितना भी पढ़ते आए हैं हर दिन अपने स्टडी प्लान के अंदर 2 hours इंक्रीज कर दीजिए. और बेस्ट तरीका उसको करने का क्या है, वेकअप अर्ली एट 6 or 5, वो ऑटोमेटिकली आपको दिन के अंदर 2 घंटे एक्स्ट्रा दे देगा. तो कुछ लोग रात को स्टडी करते हैं, डजंट मैटर, अपनी स्लीप साइकिल 5 to 6 hours का रखिए, इससे ज्यादा नहीं. बट फर्स्ट रेजोल्यूशन दैट एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट शुड मेक इज हर दिन आपको 2 घंटे इंक्रीज करने हैं अपने प्रिपरेशन में. आई थिंक बेस्ट वे टू डू इज वेकअप अर्ली एंड गिव योरसेल्फ 2 hours एक्स्ट्रा. 1, ये करना ही है. सेकेंड, प्रिलिम से पहले यू हैव टू गिव मिनिमम ऑफ 15 tests. 15 मॉक टेस्ट देने ही हैं प्रिलिम से पहले. सी, इसके अंदर ना बहुत ज्यादा एक लेजी एटीट्यूड देखने को मिलता है, जैसे वो ARC कहते हैं ना, इंडिया के अंदर चलता है एटीट्यूड है. तो आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, वो बचपन से एग्जांपल्स देख लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे, सर मैंने सिंपल क्वेश्चन देखे और उसके आंसर्स देख लिए, वो नहीं. 15 टेस्ट एकदम एग्जाम वाली सेटिंग के अंदर 2 घंटे बैठ के पेपर पेन लेके आपको 15 टेस्ट मिनिमम देने ही देने हैं. इसमें कोई आलस नहीं करना है, कोई लेजी एटीट्यूड नहीं करना है. यू हैव टू डू दिस. दिस इज द सेकंड रेजोल्यूशन. तीसरी रेजोल्यूशन जो है, जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को करनी चाहिए, वो ये है, प्लीज एंड प्लीज डोंट थिंक ऑफ नेक्स्ट अटेम्प्ट. ये वो टाइम है जब प्रेशर इंक्रीज होता है और बहुत सारे एस्पिरेंट स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स क्या सोचते हैं कि भाई सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, हम तो सर अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, अब 2023 के लिए ये ऐसे ही दे देते हैं या देते ही नहीं है. देखिए टेंशन इज पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन. थोड़ी सी टेंशन तो होगी ही, और टेंशन होती उसे है जो पढ़ रहा है, जो पढ़ता नहीं है उसे क्या टेंशन है, पेपर कैसा भी आ जाए. तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, प्लीज ये ऑप्शन मत रखना कि हम अगले साल देख लेंगे. बहुत टाइम है, मेहनत करनी है, क्योंकि ये आप सिर्फ बहाना दे रहे हो, अगले साल भी कुछ चेंज नहीं होगा. सो थर्ड रेजोल्यूशन इज नॉट थिंकिंग ऑफ नेक्स्ट अटेम्प्ट एट ऑल. इसी साल देना है और इसी साल क्रैक भी करना है. और जो लास्ट एक रेजोल्यूशन है, फोर्थ रेजोल्यूशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक शेड्यूल बना लीजिए. देखिए हो गया, आप जैसे प्रिपरेशन आपकी चल रही थी, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल, वीकली शेड्यूल बनाइए कि इस हफ्ते मेरे को ये चीजें कंप्लीट करनी है, एंड अनाउंस इट. लिख के खुद को मेल कर लो, प्रिंट करके अपनी स्टडी टेबल पे चिपका दो, आपको दिखना चाहिए. और कोशिश करिए, कोशिश क्या, आपको इंश्योर करना है कि उस शेड्यूल से आपको हिलना नहीं है ना. सी, अपने वेल विशर्स को बताओ, अपने भाई बहन मम्मी पापा जो ध्यान रखते हैं, जो आपसे पूछ लेंगे, अरे तूने तो शेड्यूल बताया था तो इस टाइम पे पढ़ रहे, तो मेक अ शेड्यूल, स्टडी टेबल पे चिपकाओ, मम्मी भाई अपने वेल विशर्स को बताओ, ताकि आप उसे इंश्योर करें. देखो एक प्लान बनाओगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा प्रिलिम्स में. इंस्टेंट सक्सेस बहुत रेयरली मिलती है, वो तुक्का हो जाता है फिर, है ना. मैं कहता हूं ना, यू आर लाइक इंडियन एलिफेंट एंड इट इज हाई टाइम दैट इंडियन एलिफेंट मस्ट डांस. So Indian elephant must dance and it is your responsibility to make it happen. So apna potential realize karna hai and let's start. So very happy new year to all of you. Thank you. See you in next video.